Dear students of 10th class, today we will discuss question first of chapter 5 is arithmetic progression. उसका question number first हम आज discuss कर लें. से पहले कि हम question discuss कर लें, dear students, मेरे इस channel को subscribe जरूर कर लेना ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए और वीडियोस को शेयर कर लेना ताकि दूसरे बच्चे भी इन वीडियो से इस्तेफादा हासिल कर सके. नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन. क्वेश्चन में क्या है यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का एक्सरसाइज 5.1. एक्सरसाइज 5.1 है. एक्सरसाइज 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन विच आर द फॉलोइंग सिचुएशंस, नीचे कुछ सिचुएशंस डिस्कस की हुई है. डज द लिस्ट ऑफ नंबर, जो उन सिचुएशंस से उन एक्सपेरिमेंट से हमें लिस्ट ऑफ नंबर्स मिलेगा, मेक एन एपी, क्या वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं एंड व्हाई. अगर बनाते हैं उसमें वो कंडीशन देखनी है, अगर नहीं बनाते वो भी बताना है हमें क्यों नहीं बनाते. देखो यहां पे जो फर्स्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो मेन हिस्सा है इस क्वेश्चन का, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर. टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, वी हैव ए टैक्सी हियर, से यहां पे टैक्सी ये सफर कर रही है, यहां से होके आगे चली जाएगी सफर के लिए. ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज रुपीज 15, इस टैक्सी का किराया है यहां से होके फर्स्ट किलोमीटर तक का सफर जो है इसमें रुपीज 50 हमें किराया देना पड़ेगा, 15 रुपया हमें किराया देना पड़ेगा फर्स्ट किलोमीटर के लिए, एंड रुपीज 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर. अगर मुझे इससे आगे जाना पड़े, हर एक किलोमीटर का मुझे एडिशनल 8 रुपीज देना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं दूसरे किलोमीटर तक चला गया, मुझे एडिशनल 15 और 8 देने पड़ेंगे, 15 प्लस 8 रुपीज देने पड़े. अगर मैं 3 किलोमीटर तक चला गया, मुझे और 8 रुपीज एडिशनल देने पड़ेंगे. जितने किलोमीटर में ऐड करते जाऊंगा उतने 8 रुपीज मुझे देने पड़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक और किलोमीटर तक चला गया, मुझे एक दफा और 8 रुपीज देने पड़ेंगे. एक किलोमीटर जाऊंगा और 8 रुपीज देने पड़ेंगे. इस तरह यहां पे हमारे पास नंबर्स आ गए. फर्स्ट किलोमीटर का जो फेयर है दैट इज 15, सेकेंड किलोमीटर तक का जो सफर है उसका फेयर हमारे पास है 15 प्लस 8, एंड थर्ड किलोमीटर का तक का सफर उसके लिए फेयर हमारे पास है 15 प्लस 8 प्लस 8 एंड सो ऑन. इस तरह हमारे पास नंबर्स आएंगे, सोल्यूशन हमारे पास होगा. वी हैव ए फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, सोल्यूशन फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज इक्वल टू रुपीज 15. हमारे पास नंबर आ गया 15. इस तरह फेयर फॉर सेकेंड किलोमीटर दैट इज यहां से होके यहां तक का फेयर हमारे पास है दैट इज इक्वल टू रुपीज 15 प्लस रुपीज 8 दैट इज इक्वल टू 23 रुपीज. फेयर फॉर अप टू सेकेंड किलोमीटर, इसी तरह फेयर फॉर
अप टू थर्ड किलोमीटर, थर्ड किलोमीटर तक का किराया हमारे पास है, दैट इज यहां से होगी यहां तक 23 है प्लस 8 करना, दैट इज रुपीज 23 प्लस रुपीज 8, एडिशनल 8 रुपीज है ना, इस तरह 23 दैट इज 1 दैट इज 31 है, 31। फिर इसके बाद नेक्स्ट किलोमीटर तक का किराया हमारे पास है 31 प्लस 8, फिर 4 किलोमीटर किलोमीटर तक का किराया हमारे पास है रुपीज 31 प्लस रुपीज 8 दैट इज इक्वल टू 39 रुपीज एंड सो ऑन। इस तरह हमारे पास फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8, सेकंड किलोमीटर के लिए हमारे पास किराया 23 है, फिर 31, फिर 39 एंड सो ऑन। नाउ क्लियरली सी, जो सेकंड किलोमीटर तक का किराया है उसको आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, हमारे पास नंबर्स आ गए, 15 एक नंबर है, 23 दूसरा नंबर, 31 है, 39। देयरफॉर नंबर्स जो आ गए, लिस्ट ऑफ नंबर्स हमारे पास है, दैट इज 15, फिर 23, फिर 31, 39 एंड सो ऑन। ये हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर्स है। क्लियरली वी सी 23 माइनस 15, 23 माइनस 15 यहां पे लिखेंगे, 23 माइनस 15 वी हैव 8, 31 माइनस 23 वी हैव हियर 8, फिर 39 माइनस 31 वी हैव हियर 8। क्लियरली वी हैव द कॉमन डिफरेंस इज सेम इन फर्स्ट टू कंसेक्यूटिव टर्म, इसी तरह सेकेंड टू कंसेक्यूटिव टर्म में भी कॉमन डिफरेंस 8 है, थर्ड एंड फोर्थ एंड थर्ड का जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज अगेन 8। वी हैव कॉमन डिफरेंस इज सेम इन द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स, जो हमारे पास गिवन लिस्ट नंबर्स है उनका कॉमन डिफरेंस सेम है जब हमने कोई से भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स ले लिए। इस तरह दिस लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म्स एन एपी। क्लियरली यहां पे सॉल्यूशन में इसके बाद आएगा, क्लियरली वी हैव हियर क्लियरली द कॉमन डिफरेंस एवरी पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म, कंसेक्यूटिव टर्म्स इज 8, देयरफॉर इट फॉर्म्स एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस तरह ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाए गए लिस्ट ऑफ नंबर्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।